मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर एट चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक्स. टुडे वी विल बी डूइंग 3.5, यार्न टू फैब्रिक. देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न. ओके, नाउ यू आर क्लियर अबाउट फैब्रिक्स एंड यार्न्स. सो दे आर सेइंग दे आर मैनी वेज बाय विच, बहुत सारे तरीके हैं जिससे फैब्रिक से क्या बनते हैं, यार्न बनते हैं, हम यार्न को फॉर्म करते हैं. द टू मेन प्रोसेसेस आर, दो मेन प्रोसेस कौन से हैं, वीविंग एंड निटिंग. वीविंग, नाउ फर्स्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू वीविंग. इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर. ओके, इन एक्टिविटी 2, डिड यू रिमेंबर एक्टिविटी 2? एक्टिविटी 2 में हमने क्या किया था? दिस वॉज अवर एक्टिविटी 2. इसमें हमने एक थ्रेड को निकाला था फैब्रिक में से. सो एक थ्रेड से तो ये नहीं बनेगा, सो इसमें डबल यार्न वॉज यूज टू मेक दिस फैब्रिक. सो दे आर टेलिंग कि यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें टू सेट ऑफ यार्न लेते हैं एक फैब्रिक फॉर्म करने के लिए, उसे हम वीविंग कहते हैं. लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स. Now with the help of paper strip they are explaining us the meaning of weaving. अभी हमको thread नहीं लेना है, अभी हमको paper strips लेने हैं. Activity 5, take 2 sheet of paper of different color. Now we have to take 2 sheets, दो sheet लेनी है paper की और उसका color different होना चाहिए. Cut square pieces of length and width. Pieces of length and width equal to 30 cm from each sheet. We have to cut square pieces of length and width 30 cm. Okay, square pieces हमको उसकी length और width कितनी रखनी है paper की 30 cm. Now hold both the sheet into half. On one sheet draw lines as shown in figure 3.12a. okay, this way we have to fold both the sheet of paper and draw a line. हमको दोनों sheets को half fold कर देना है, फिर ऐसी ये line draw करनी है. Then on the other as shown in figure 12.12b, this one. Cut both the sheet along the dotted line and then unfold. Along the dotted line and then unfold, weave the strip one by one through the cut in the sheet of paper as shown in figure 13.12c. See here 13.12c, how they are weaving the sheet. ऐसे कट्स लगे हुए हैं, इसके अंदर दूसरा शीट डाल रहे हैं, फिर उसको डाउन से अप ले रहे हैं, इस तरह दूसरा शीट इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ये एक शीट है, इसके बीच में इनने कट्स लगाए हैं और ये दूसरे शीट को उसके अंदर डाल रहे हैं. सो दे आर वीविंग, दिस मेथड इज कॉल्ड वीविंग. वीव द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रू द कट इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 13.12c, 13.12d. शो द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप. ये इस पैटर्न में ये फॉर्म हो जाएगा. इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न आर वोन टू मेक अ फैब्रिक. इसी तरह जिस तरह हमने पेपर की दो शीट ली है, इसी तरह फैब्रिक को हम दो यार्न के हेल्प से बनाते हैं. द यार्न आर मच थिनर देन अवर पेपर स्ट्रिप्स. ठीक है, ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन बाय लूम्स. सो दिस वीविंग ऑफ फैब्रिक आर डन बाय मेथड लूम्स. इन फिगर 3.13 यू कैन सी दिस इज कॉल्ड हैंड लूम. द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. मीन्स ये हैंड से किए जाते हैं, हाथ से, या तो इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट हेल्प्स वीविंग.
Now knitting. You have noticed how sweaters are knitted. In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. See in figure 3.14, एक सिंगल यान लिया है, ये सिंगल यान है, इसके थ्रू हम एक फैब्रिक को फॉर्म कर रहे हैं, स्वेटर बना रहे हैं. हैव यू एवर पुल्ड द यान फ्रॉम अ टोन पेयर ऑफ सॉक्स? व्हाट हैपन? अ सिंगल यान गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरिवेल्ड. सॉक्स एंड मैनी अदर clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machine. Knitting को हाथ से करते हैं और by machine also it is done. Okay, इसमें बोल रहे हैं socks में से एक धागा आप निकालिए. Sorry. So with the help of this, we are making socks and other cloth items also with knitted fabrics. Weaving and knitting are used for making different kind of fabrics. Okay, weaving and knitting I have explained you are used for making different kind of fabric. इसके help से हम different kinds of fabric form करते हैं. These fabric are used for variety of clothing items. और ये variety of clothing items हमको देते हैं, जैसे sweater, shawl, socks. Now 3.6, history of clothing material. Have you ever wondered what material people used in ancient time for clothes? क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के एशियन टाइम के लोग क्या यूज़ करते थे क्लोथ्स की जगह पे? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व. अर्ली एशियन टाइम पे क्या लोग यूज़ करते थे क्लोथ की जगह पे? ट्रीज़ के बार्क और बिग लीव्स को यूज़ करते थे, या तो एनिमल की स्किन या तो उनके फर्स, टू कवर देमसेल्फ. आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, दे लर्न टू वीव ट्विंग्स एंड ग्रास इन टू मैट्स एंड बास्केट्स. ठीक है, एग्रीकल्चर जैसे स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर करना, उन लोगों ने क्या एशियन टाइम के पीपल्स ने और क्या क्या सीखा? वीविंग ट्विंग्स एंड ग्रास इन टू मैट्स, उससे मैट्स बनाना सीखा और बास्केट बनाना सीखा ग्रास की हेल्प से. और वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इन टू लॉन्ग स्ट्रेंस, मीन्स इससे वो बड़े बड़े धागे फॉर्म करने लगे. दीज वेयर वोवन इन टू फैब्रिक्स, और इससे वो फैब्रिक फॉर्म करने लगे इस स्ट्रैंड से. द अर्ली इंडियन वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा. ओके, अर्लियर मैन फैब्रिक कौन सा यूज़ करते थे? कॉटन यूज़ करते थे, और वो कहाँ उगाया जाता था? रीजन नियर द रिवर गंगा. फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फैब्रिक्स. ओके, दिस फ्लैक्स ऑल्सो प्रोवाइड फैब्रिक्स टू अस. इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. ओके, एशियंट टाइम्स ये कॉटन जो है यूज़ करते थे, और ये फ्लैक्स को भी यूज़ करते थे फैब्रिक्स बनाने में. इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. उस समय जैसे अभी हम क्या स्टिच करते हैं, फ्रॉक, साड़ीज, ब्लाउज, शर्ट, पैंट्स, उस समय स्टिचिंग नहीं आता था. सो ये सब मटेरियल से वो फैब्रिक यूज़ करते थे, और उसे यूज़ करते थे टू कवर द बॉडी पार्ट्स. पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी. मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वेयर यूज्ड. विद द इन्वेंशन ऑफ द स्वींग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ. जैसे इन्वेंट हुआ इस नीडल का, सुई का, सो फिर हमारा स्टिचिंग स्टार्ट हो गया और हम डिफरेंट फैब्रिक्स के क्लोथ्स पहनने लग गए. स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और
टर्बन इज यूज एज एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है, साड़ी और धोती इन सबको हम स्टिच नहीं करते हैं जिस तरह सलवार और कुर्ता स्टिच करते हैं। सो ये हमारा एक फैब्रिक है और इसको हम अनस्टिच पहनते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर अवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। जिस तरह खाने में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट डिशेज होती हैं, उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में स्टेट्स में अलग अलग फैब्रिक्स प्रोवाइड है। ये डायग्राम देखो, इसमें इन लोगों ने क्या एक्सप्लेन करना चाहा है। कॉटन रोल पहले होता है, कॉटन प्लांट से हमें मिलता है, उसको ग्राइंडिंग प्रोसेस के थ्रू फाइबर बनाया जाता है, देन स्पिनिंग टेक प्लेस, देन इन फॉर्म ऑफ यार्न वी गेट यार्न, निटिंग और वीविंग प्रोसेस वी गेट फैब्रिक। दिस चैप्टर इज़ ओवर टुडे, आई विल बी सेंडिंग यू दिस चैप्टर PDF, सो राइट नीटली इन योर नोटबुक।